दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक इंडियन ऑथर कमला दास की लिखी हुई एक पोएम एन इंट्रोडक्शन। एन इंट्रोडक्शन दोस्तों बहुत ही फेमस पोएम है। इसको शामिल किया गया था समर इन कलकत्ता, ये भी कमला दास का एक कलेक्शन है, उसमें शामिल किया गया था इस पोएम को। और दोस्तों इसको ऑटोबायोग्राफिकल वर्ड्स में लिखा गया है इस पोएम को। दोस्तों इस पोएम में है क्या एक्चुअली, इसके अंदर पुरुषों के इस समाज में एक महिला को कैसे ट्रीट किया जाता है, उसकी क्या कंडीशन है, उस पर कितने रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, बहुत ही खुले रूप से दिखाने की कोशिश की है कमला दास ने। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है दोस्तों। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो इस पोएम की शुरुआती लाइनों में कमला दास बोलती हैं, आई डोंट नो पॉलिटिक्स, मैं पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं जानती, बट आई नो द नेम्स, लेकिन मैं नाम जानती हूँ ऑफ दोज इन पावर, उन लोगों के जो पावर में हैं। पॉलिटिक्स के बारे में मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन उन लोगों के नाम मैं जानती हूँ जो लोग पावर में हैं। एंड आई कैन रिपीट दैम, और मैं उन लोगों के नाम ऐसे ले सकती हूँ लाइक डेज ऑफ वीक, जैसे हफ्ते के दिन हों, और नेम्स ऑफ मंथ, या फिर महीनों के नाम हों, बिगिनिंग विथ नेहरू, नेहरू के नाम से शुरू करके मैं उन सब लोगों के नाम ले सकती हूँ जो लोग पावर में हैं, ऐसे जैसे हफ्तों के दिन हो या महीनों के नाम। आई एम इंडियन, मैं इंडियन हूँ, वेरी ब्राउन, मेरा कलर ब्राउन है, बहुत सांवला है। बॉर्न इन मालाबार, मालाबार में मेरा जन्म हुआ था। आई स्पीक 3 लैंग्वेजेस, मैं 3 लैंग्वेजेस बोल सकती हूँ। राइट इन 2, 2 लैंग्वेजेस लिख सकती हूँ। ड्रीम इन 1, और 1 लैंग्वेज में मैं ड्रीम देख सकती हूँ, और ऑफ कोर्स वो लैंग्वेज इंग्लिश है जिसमें वो ड्रीम देख सकती हैं। डोंट राइट इंग्लिश, दे सेड, कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि इंग्लिश में मत लिखो। इंग्लिश इज़ नॉट योर मदर टंग, इंग्लिश तुम्हारी मातृभाषा नहीं है। व्हाई नॉट यू लीव मी अलोन, मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। क्रिटिक्स, फ्रेंड्स और विजिटिंग कजन्स, ये वो लोग हैं जो इनसे कहते हैं, कमला दास से कहते हैं कि इंग्लिश में मत लिखो। तो कमला दास इनसे कहती है, व्हाई नॉट यू लीव मी अलोन, कि मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। एवरी वन ऑफ यू, व्हाई नॉट लेट मी स्पीक इन एनी लैंग्वेज आई लाइक, जो लैंग्वेज मुझे पसंद है उसमें मुझे बोलने क्यों नहीं देते। द लैंग्वेज आई स्पीक बिकम्स माइन, जो लैंग्वेज मैं बोलती हूँ वो मेरी हो जाती है। इट्स डिस्टॉर्शंस, इसकी खामियाँ, डिस्टॉर्शंस, इसकी क्वीयरनेस, क्वीयरनेस का मतलब इसकी खूबियाँ, अनोखापन, ऑल माइन, सब मेरे हैं, माइन अलॉन, सिर्फ मेरे। इस लैंग्वेज की कमियाँ, खूबियाँ, सब मेरी है, सब मेरे हैं। हाँ, ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है, इट इज़ हाफ इंग्लिश हाफ इंडियन, आधा तो अंग्रेज आधा इंडियन, फनी परहैप्स, और शायद मजाकिया भी, बट इट इज़ ऑनेस्ट, लेकिन सच यही है। इट इज़ एज ह्यूमन एज आई एम ह्यूमन, डोंट यू सी, कि क्या तुम देख नहीं सकते कि मैं भी एक इंसान हूँ। इट इज़ एज ह्यूमन एज आई एम, इट वॉइसिस माई जॉयज, कि ये चीज़ मेरे जॉयज को, मेरे आनंद को आवाज़ देती है। माई लॉन्गिंग्स माई होप्स, मेरी इच्छाओं को, मेरी होप्स को आवाज़ देती है ये चीज़। And it is useful to me as going is to cruise. ये चीज़ मेरे लिए उतनी ही useful है जितना कौए के लिए काँव काँव करना, और roaring to the lions, और शेरों के लिए दहाड़ना। It is human speech, ये इंसानों की भाषा है। The speech of mind, ये दिमाग की भाषा है। That is here, not there, जो यहाँ है वहाँ नहीं। A mind that sees and hears and is aware, कि एक दिमाग जो देखता है, सुनता है और जागरूक है, सब समझता है। नॉट अ डीप ब्लाइंड स्पीच ऑफ ट्रीज इन स्टॉर्म, तूफान में जो पेड़ आवाज़ करते हैं बहरों और अंधों की तरह, वैसे नहीं जिनकी कोई नहीं सुनता। और ऑफ मानसून क्लाउड, या फिर मानसून के बादलों की तरह नहीं, और ऑफ रेन, या फिर बारिश की तरह। और द इनकोहेरेंट मटरिंग ऑफ ब्लेजिंग फ्यूनरल पायर, या फिर जलती हुई चिता जो आवाज़ करती है। ब्लेजिंग फ्यूनरल पायर का मतलब जलती हुई चिता। आई वॉज चाइल्ड, मैं बच्ची थी। एंड लेटर दे टोल्ड मी आई ग्रू, और बाद में उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बड़ी हो गई हूँ। और आई बिकेम टॉल, क्योंकि मैं लंबी हो गई थी, मेरी हाइट बढ़ गई थी, मेरी लंबाई ज़्यादा बढ़ गई थी। माई लिम्ब स्वेल्ड, मेरे अंग बढ़ रहे थे। लिम्ब्स मतलब अंग, और स्वेल्ड का मतलब सूजन आना या फिर फूलना, बढ़ रहे थे। एंड वन और टू प्लेसेस स्प्राउटेड हेयर, और शरीर में एक दो जगह बाल भी आ रहे थे। वन आई आस्क्ड फॉर लव,
और जब मैंने प्रेम मांगा, प्यार मांगा, नॉट नोइंग वॉट एल्स टू आस्क फॉर, क्योंकि उस टाइम पे मैं जानती नहीं थी कि इसके अलावा और क्या मांगा जाए. ही ड्रू अ यूथ ऑफ 16 इनटू द बेडरूम एंड क्लोज द डोर. तो वो मेरे लिए एक 16 साल का लड़का ले आए मेरे बेडरूम में और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया. ही डिड नॉट बीट मी, हालांकि उसने मुझे कमरे में अकेले मारा नहीं. बट माई सैड वुमेन बॉडी फेल्ट सो बीटन, लेकिन मेरी वुमेन बॉडी जो थी, मेरी बॉडी, वो ऐसे फील कर रही थी जैसे इसको बहुत पीटा गया हो. द वेट ऑफ माई ब्रेस्ट एंड वोम क्रस्ट मी, मेरी छाती और मेरे जो गर्भ था उसका वेट मुझे क्रश कर रहा था. आई श्रैंक पिटीफुली, मैं कांप रही थी. देन आई वॉर अ शर्ट एंड माई ब्रदर्स ट्राउज़र, फिर मैंने एक शर्ट पहन ली और मेरे भाई का ट्राउज़र पहन लिया. कट माई हेयर शॉर्ट, और आदमियों की तरह मैंने बाल छोटे छोटे करवा लिए. एंड इग्नोर्ड माई वुमेनलीनेस, और मैंने अपने औरत होने को इग्नोर किया, इग्नोर करने लगी मैं अपने औरत होने को. ड्रेस इन सारीज, साड़ी पहनो, बी गर्ल, एक औरत बनो, बी वाइफ, एक वाइफ बनो, दे सैड, उन्होंने मुझसे कहा. जब मैंने ऐसा सब कुछ किया, मैंने अपने बाल कटवा लिए, तो उन्होंने मुझसे कहा कि एक वाइफ बनो, एक लड़की बनो, अपनी साड़ी पहनो, ऐसा उन्होंने मुझसे कहा. बी एम्ब्रॉयडरर, बी कुक, सिलाई कढ़ाई करो और एक कुक बनो. बी ए क्वारलर विद सर्वेंट्स, अपने सर्वेंट्स से झगड़ा करो. फिट इन ओ वॉट बिलोंग, उस सब चीज़ों में फिट हो जाओ जहाँ से तुम बिलोंग करती हो, यानी कि एक औरत बन जाओ. क्राइड द कैटेगराइजर्स, कैटेगरी बनाने वालों ने मुझ पर चिल्लाया. डोंट सिट ऑन वॉल्स, दीवारों पर मत बैठो. और पीप इन थ्रू आवर लेस ड्रैप्ड विंडोज, लेस ड्रैप्ड विंडोज से मत झांको. पीप का मतलब झांकना. बी एमी, एमी बनो और बी कमला, या फिर कमला बनो, और बेटर स्टिल बी माधव, माधवी कुट्टी, या फिर सबसे बेहतर है कि माधवी कुट्टी बनो. लेकिन मर्द बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये काम तुम्हारा नहीं है. इट इज़ टाइम टू चूज अ नेम, ये तुम्हारे लिए टाइम है एक नाम चुनने का, अ रोल, एक रोल चुनने का जिंदगी में. डोंट प्ले प्रिटेंडिंग गेम्स, कोई प्रिटेंडिंग गेम्स मत खेलो. बंद करो ये बचकाने बच्चों वाले गेम खेलना. डोंट प्ले एट स्किज़ोफ्रेनिया, और बी ए निम्फो, यानी कहने का मतलब ये है, इस लाइन का मतलब, कि पागल मत बनो. डोंट क्राई एम्बेरसिंगली लाउड व्हेन जिल्टेड इन लव, जब तुमको प्रेम में कोई धोखा दे दे तो इतना शर्मनाक तरीके से दहाड़े मार मार कर मत रो, क्योंकि तुम एक लड़की हो. आगे कमला दास बोलती है, आई मेट ए मैन, मैं एक आदमी से मिली, लव्ड हिम, उससे प्रेम किया. कॉल हिम नॉट बाय एनी नेम, मैं उसे कोई नाम से नहीं बुलाऊंगी, ना बुलाती थी. ही इज़ एवरी मैन हु वांट्स अ वूमन, वो हर उस आदमी की तरह था, या फिर वो बाकी मर्दों की तरह ही निकला जिसे बस औरत चाहिए थी. हु वांट्स अ वूमन जस्ट एज आई एम एवरी वूमन, और मैं हर एक उस औरत की तरह, हु सीक्स लव, जो बस प्रेम चाहती थी. इन हिम, उसके अंदर अ हंग्री हेस्ट, एक जल्दबाजी थी, एक भूख थी, ऑफ रिवर्स, रिवर्स की तरह, नदियों की तरह. इन मी, मेरे अंदर, और मेरे अंदर द ओशियंस, समुद्र की तरह, समुद्रों की तरह, टायरलेस वेटिंग, शांति थी और कभी न थकाने वाला इंतज़ार था. उसके अंदर नदियों की तरह जल्दबाजी थी और मेरे अंदर समुद्रों की तरह इंतज़ार था. हु आर यू, कौन हो तुम, आई आस्क ईच एंड एवरी वन, मैंने हर किसी से पूछा, हर जगह पूछा, हर किसी से पूछा. द आंसर इज़ इट इज़ आई, और सबका आंसर यही था कि मैं हूँ. खुद को हर कोई मैं बता रहा था. एनी वेयर एंड एवरी वेयर, कहीं भी और हर जगह. आई सी द वन हु कॉल्स हिमसेल्फ आई इन दिस वर्ल्ड, मैं उन लोगों को देखती हूँ जो लोग खुद को मैं कह कर के संबोधित करते हैं कि मैं हूँ. वो लोग, आगे बोलती हैं कमला दास, ही इज़ टाइटली पैक्ड लाइक द स्वॉर्ड इन इट्स सीट, तो ऐसे लोग एक तलवार की तरह हैं, एक स्वॉर्ड की तरह हैं, जो लोग टाइटली पैक्ड हैं अपनी म्यान के अंदर. इट इज़ आई हु ड्रिंक लोनली, मैं वो हूँ जो अकेले पीती है. ड्रिंक्स एट 12 मिडनाइट, आधी रात को 12 बजे पीती हूँ. होटल्स ऑफ स्ट्रेंज टाउन्स,
स्ट्रेंज टाउन्स के होटल्स में पीती हूँ। इट इज़ आई हु लाफ, मैं वो हूँ जो हंसती है। इट इज़ आई हु मेक लव एंड देन फील शेम, मैं वो हूँ जो प्रेम करती है और बाद में शर्म महसूस करती है। इट इज़ आई हु लाई डाइंग विद अ रैटल इन माई थ्रॉट, मैं वो हूँ जो यहाँ पर लेटी हुई है, मर रही है, जिसके गले से रैटल की आवाज़ आ रही है। आई एम सिनर, मैं पापी हूँ। आई एम सेंट, मैं संत हूँ। आई एम द बिलव्ड एंड द बिट्रेड, मैं बिलव्ड हूँ और बिट्रेड भी। आई हैव नो जॉयज दैट आर नॉट योर्स, कोई ऐसा आनंद नहीं है जो तुमने महसूस किया हो, तुम्हारे पास हो और मेरे पास नहीं। नो एक्स विच आर नॉट योर्स, और ना ही कोई ऐसा दर्द है। आई टू कॉल माई सेल्फ आई, और मैं भी खुद को मैं ही कहकर बुलाती हूँ।